नमस्कार, मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। भारत में अभिनंदन का भव्य अभिनंदन। पाकिस्तान की कैद से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन आज अटारी बाघा के सास्ते सहसम्मान स्वदेश लौट आए हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए बाघा बॉर्डर पर वायुसेना के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इससे पहले पाकिस्तान में अभिनंदन की रिहाई के लिए भारतीय उच्चायोग ने कागजी कार्रवाई पूरी की। अभिनंदन की सकुशल रिहाई के लिए पूरा देश दुआ कर रहा था। विंग कमांडर अभिनंदन के माता पिता का जोरदार स्वागत। वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को लेने जा रहे उनके माता पिता का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। चेन्नई से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। बाद में वे दिल्ली से फ्लाइट बदलकर अमृतसर चले गए। पाकिस्तान F-16 विमान को मार गिराने के दौरान मिग क्रैश होने पर अभिनंदन पाकिस्तानी सेना के गिरफ्त में आ गए थे। अभिनंदन की रिहाई के लिए पाकिस्तान में सड़कों पर उतरे लोग। विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई के बाद पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतर गए। लोगों ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अभिनंदन के समर्थन में प्रदर्शन किया। सभी ने मांग की कि भारतीय पायलट को बाइज्जत रिहा किया जाए। इसके कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद की संयुक्त बैठक में घोषणा की कि भारतीय पायलट को रिहा कर दिया जाएगा। अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब ने बनाया पाकिस्तान पर दबाव। पायलट अभिनंदन की वापसी के लिए अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया और इसके बाद ही पाकिस्तान ने अभिनंदन को भारत को सौंपने की घोषणा की। इमरान खान के ऐलान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अनहोई वर्ल्ड मीडिया से कहा था कि उनके पास भारत और पाकिस्तान से बहुत अच्छी खबर है। कुपवाड़ा में रात भर चली मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में रात भर चली मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि फायरिंग रात 1 बजे शुरू हुई, जब सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। गोलाबारी के दौरान दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। इससे पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां में जैश के दो आतंकवादियों को मार गिराया गया था। अमेरिका में ओसामा के बेटे पर रखा 70 करोड़ का इनाम। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका ने भी जंग तेज कर दी है। अमेरिका ने अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा के बारे में जानकारी देने वाले को करीब 70 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। जिहाद के क्राउन प्रिंस के नाम से कुख्यात हमजा बिन लादेन के ठिकानों को ढूंढने की कोशिश अमेरिका कई साल से कर रहा है। OIC के सम्मेलन में शामिल होने अबुधाबी पहुंची सुषमा स्वराज। इस्लामिक सहयोग संगठन के सम्मेलन में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल होने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अबू धाबी पहुंच गई हैं। सुषमा स्वराज को UAE के विदेश मंत्री HH शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने आमंत्रित किया था। अब पाकिस्तान भी इस सम्मेलन में शिरकत करने को तैयार है। पहले पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि भारतीय विदेश मंत्री को आमंत्रित किया गया था। हुंडई क्रेटा का जलवा कायम, 5 लाख का आंकड़ा। हुंडई क्रेटा ने 5 लाख यूनिट बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। क्रेटा ने 4 साल से भी कम समय में यह आंकड़ा पार किया है। क्रेटा जुलाई 2015 में भारत में लॉन्च की गई थी। हुंडई के भारतीय बिक्री प्रमुख विकास जैन ने कहा है कि किसी भी मेड इन इंडिया SUV द्वारा 4 साल से कम समय में 5 लाख से अधिक यूनिट की बिक्री एक नया बेंचमार्क किया है। ICC रैंकिंग में 6 नंबर पर पहुंचे KL राहुल। ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष 10 बल्लेबाजों की सूची में KL राहुल 6 नंबर पर शामिल हो गए हैं, जबकि अफगानिस्तान के हजरतुल्ला जजई 31 पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। KL राहुल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ समाप्त हुई 2 मैचों की T20 सीरीज में 47 और 50 रन बनाकर शानदार वापसी की है। सलमान ने शेयर किया फिल्म नोटबुक का पहला गाना। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान आजकल नोटबुक के प्रमोशन में बिजी हैं। सलमान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नोटबुक का पहला गाना रिलीज किया है। नहीं लगता नाम से आए इस गाने को शेयर करते हुए सलमान ने लिखा है कि गाने को सुने और प्यार को महसूस करें। इस फिल्म के जरिए मशहूर एक्ट्रेस नूतन की पोती प्रनूतन बहल अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर रही हैं। फिल्म 29 मार्च को रिलीज होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।